हरकतें हो रही हैं फोन टैपिंग की। और जहां तक इमरान खान के फोन का ताल्लुक है, जो उनके घर पे सिक्योर लाइन थी, उसको टैप किया गया। अब सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कि कौन सी एजेंसीज हैं जो ये इलीगल हरकत कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेट कर रही हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है। और दूसरी बात, ये एक और चीज मैं बताऊं, अंसार अब्बासी साहब ने कल अपने व्लॉग या किसी चीज में गालबन कहा है कि एक और ऑडियो आएगी, वो भी एक सिक्योर लाइन पे, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के साथ। अगर ये पब्लिक होती है, ना सिर्फ ये वायलेशन है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का, आईन के आर्टिकल 14 का, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की भी वायलेशन है, क्योंकि जो कॉन्वर्सेशन होती है हुकूमत के इश्यूज, हुकूमती इश्यूज पे प्राइम मिनिस्टर और उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के दरमियान, ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत होती हैं। तो अगर ये पब्लिक कोई जर्नलिस्ट करता है या कोई करता है, वो वायलेट कर रहा है ना सिर्फ आर्टिकल 14 आईन का, बल्कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। और ये ना समझे कि हम चुप रहेंगे इस पे। और ये सारा हो क्यों रहा है? ये हो इस वास्ते रहा है क्योंकि साजिश जो है उसको वो छुपाना चाह रहे हैं। अभी तक पूरी कौम ने, क्योंकि अमेरिका की साजिश एक्सेप्ट कर ली है, तो इस वास्ते हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, न्यूट्रल्स कर रहे हैं, और जिनको वो लाए हैं वो भी